आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे धनुष भंग शीर्षक पाठ, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। और इस शीर्षक पाठ का जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 नंबर का जो पद्यांश है, जो कि इस प्रकार से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रभु ही चितय पुन चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मनस जमीन जुग जनु विधु मंडल डोल। और इसकी जो चौपाइयाँ हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। इसका हम संदर्भ कैसे लिखें, इसका यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में पद्यांश आ जाता है तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे, यह सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और यदि आपने इसके पहले के 4 नंबर तक महत्वपूर्ण पद्यांश से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो संदर्भ लिखने से पहले, व्याख्या लिखने से पहले और काव्यगत सौंदर्य लिखने से पहले इस तरह से आपको प्रस्तुत जो दिया गया है पद्यांश, जो कि दोहा और चौपाई छंद में रचित है, उसके प्रथम के शब्दों को इस तरह से लिख लेना है प्रभुई चितई, और अंतिम के शब्दों को इस तरह से लिख लेना है ब्याल ही जैसे, और हेडिंग डालना है इस तरह से संदर्भ। बिल्कुल आसान संदर्भ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है। और यह प्रसंग रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है, जिसके रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और सेम संदर्भ आप इस चैप्टर के जितने भी पद्यांश हैं सभी में आप ये संदर्भ लिख देंगे, अर्थात जो धनुष भंग शीर्षक पाठ है इसका कोई भी पद्यांश आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप संदर्भ सेम यही रखेंगे, संदर्भ में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। और यदि आप चाहते हैं कि संदर्भ इससे भी आसान मैं आपको बताऊं या लिखने का आसान तरीका बताऊं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आगे के वीडियो में इससे भी आसान संदर्भ लिखने का तरीका बता दूंगा। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, के काव्यखंड भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, में संकलित धनुष भंग पाठ अथवा शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, और यह प्रसंग रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है, जिसके रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, यह भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो कुछ इस तरह से आप इस दिए गए पद्यांश का संदर्भ आसानी से लिख सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपका संदर्भ सही होना चाहिए, यदि आपका संदर्भ ही गलत है तो व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य कहाँ से सही माना जा सकता है। यदि आपको पता ही नहीं है कि पद्यांश किस पाठ का है, लेखक यानी रचयिता कौन है, तो आपकी व्याख्या कहाँ से सही हो सकती है। तो चलिए इसकी मैं आपको सबसे सरल व्याख्या बता दूं, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसकी व्याख्या जो है कैसे लिखेंगे, व्याख्या सबसे आसान तरीके से कैसे लिखी जाएगी और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। प्रभु ही चितय पुन चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मनस जमीन जुग जनु विधु मंडल दोल। प्रस्तुत दोहे में कवि ने सीता जी की सुंदरता का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। प्रभु ही चितय पुन चितव मही राजत लोचन लोल, प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। प्रभु ही चितय पुन चितव मही, पहले भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा, फिर इसके बाद मही अर्थात धरती को देखा, राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी
प्रगट नलाज निशा अवलोकी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की जो वाणी है वह असमर्थ है, अर्थात सीता जी बोलना चाहती हैं लेकिन वो बोलने में असमर्थ हैं, और उनकी असमर्थता को व्यक्त करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही अलंकारिक रूप से कह रहे हैं, गिरा अलिन मुख पंकजरो की प्रगट नलाज निशा अवलोकी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, अर्थात जिस प्रकार से कमल के फूल में यदि भौरा शाम को बैठ जाए तो कमल का फूल जब शाम को सिकुड़ जाता है और प्रातः काल वह खिलता है तो जब तक वह सुबह नहीं हो जाती, जब कमल का फूल ना खिले तब तक वह भौरा जो है उस कमल के फूल में बंद ही रहेगा, अर्थात वह निकल नहीं पाएगा। ठीक उसी प्रकार से सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, अर्थात वह बोलना तो चाहती हैं परंतु मुख से बोल नहीं पा रही, अर्थात कह नहीं पा रही, असमर्थ हो रही हैं। प्रगट नलाज निशा अवलोकी, और किस कारण वह बोल नहीं पा रही हैं, अर्थात किस कारण वह असमर्थ हो रही हैं। प्रगट नलाज निशा अवलोकी, लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रगट नहीं हो रही है, लाज रूपी रात्रि को देखकर उनकी वाणी प्रगट नहीं हो रही है, अर्थात वह बोल नहीं पा रही हैं। और लोचन जल रह लोचन कोना, लोचन जल रह लोचन कोना, नेत्रों का जल नेत्रों के कोनों में ही रह जाता है, नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है। जैसे परम कृपण करे सोना, जैसे बहुत भारी कृपण यानी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना, और सीता जी के नेत्रों का जल उनके नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी बहुत भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। और सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उरयानी। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई, सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उरवानी, और धीरज धर कर हृदय में विश्वास ले आई। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। मन में क्या कहने लगी कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, तन मन वचन मोर पनु साचा, यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, मेरा जो है विश्वास सच्चा है, यानी जो मैंने प्रण लिया है वो सच्चा है। रघुपति पद सरोज चितुराचा, और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो फिर क्या होगा। तो भगवान सकल उर स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान, तो भगवान सकल उर स्नेहु, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान, सोते ही मिले न कछु संदेहु, मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे, क्योंकि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है। सोते ही मिले न कछु संदेहु, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, जिसका जिससे सच्चा लगाव हो जाता है, यदि आपका लगाव आपकी पढ़ाई से है तो आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा आपसे वादा है। बस आपका लगाव होना चाहिए, आप अपनी नोट्स बनाते रहिए और आप तन मन धन से पढ़ते रहिए, आपको अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, बस आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आपका पढ़ने में मन भी लगना चाहिए। तो सोते ही मिले न कछु संदेहु,
प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। प्रभु तन चितई, प्रभु की ओर देख कर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। यदि मेरा शरीर किसी की अर्धांगिनी बनेगा तो प्रभु श्री राम की ही अर्धांगिनी बनेगा, अर्थात मेरा शरीर जो है यदि किसी से प्रेम करेगा तो प्रभु श्री राम से ही करेगा। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। और कृपा निधान राम सबु जाना, श्री रामचंद्र जी सब जान गए कि सीता जी ने यह प्रतिज्ञा की है कि यदि मेरा शरीर किसी से प्रेम करेगा तो सिर्फ श्री रामचंद्र जी से ही करेगा, और यह सब भगवान श्री राम जान जाते हैं। और सियही बिलोकित केउ धनु कैसे, चितउ गरुरु लघु ब्याल ही जैसे। सियही बिलोकित तकेउ धनु कैसे, और उन्होंने क्या किया कि सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे कि चितउ गरुरु लघु ब्याल ही जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं कि अरे ये तो छोटा सा सांप है, इसको पकड़ना बिल्कुल आसान है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखते हुए धनुष की ओर ऐसे देखा जैसे गरुड़ जी किसी लघु ब्याल को अर्थात छोटे से सर्प की ओर देखते हैं। तो इसकी व्याख्या आप लिखेंगे कैसे, प्रभु चिते पुने चितव मही राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग जनु विधु मंडल डोल। क्या हो जाएगी इसकी व्याख्या, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है व्याख्या, और व्याख्या क्या हो जाएगी, प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हो। और आगे है चौपाई के अंतर्गत, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट नलाज निशा अवलोकी। इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी कि गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए अलंकारिक रूप से कह रहे हैं कि सीता जी कुछ कहना तो चाह रही हैं परंतु वह कहने में असमर्थ हैं, और उसी असमर्थता को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही अलंकारिक रूप से प्रकट किया है कि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। और प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रगट नहीं हो रही है, लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रगट नहीं हो रही है। और लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। लोचन जल रह लोचन कोना, अर्थात नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है। और जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सीता जी के नेत्रों का जल सीता जी के नेत्रों के कोने में ही ठीक उसी प्रकार से रह जाता है जिस प्रकार से बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। और सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उरयानी। इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई, अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जान करके वह स्वयं में क्या हो गई, सकुचा गई, उन्हें सकुचाहट होने लगी। और धरि धीरज प्रतीत उरयानी, और क्या हुआ, धरि धीरज प्रतीत उरयानी, और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई। क्या विश्वास ले आई कि तने मने बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। यदि तने मने और वचन से, तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है,
तन मने वचन मोर पने साचा और रघुपति पद सरोज चितुराचा। यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, मेरा चित्त यानी मेरा हृदय वास्तव में अनुरक्त है, तो क्या होगा? तो वही होगा, तो भगवान सकल उर स्नेहु सोते ही मिले न कछु संदेहु। क्या हो जाएगी व्याख्या? तो क्या होगा कि तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सोते ही मिले न कछु संदेहु। क्योंकि क्या होता है कि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यदि किसी का किसी पर सच्चा स्नेह हो गया अर्थात किसी से लगाव हो गया, जो आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप उस लक्ष्य के प्रति अपना कर्तव्य भी निभाते हैं तो वह लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा, चाहे कठिन से भी कठिन लक्ष्य क्यों ना हो। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सबु जाना। क्या हो जाएगी व्याख्या? कि प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। क्या ठान लिया? कि यदि यह शरीर किसी से प्रेम करेगा तो भगवान श्री रामचंद्र जी से ही करेगा, अन्यथा यह किसी से प्रेम नहीं करेगा। और कृपा निधान राम सबु जाना, और भगवान श्री रामचंद्र जी सब जान गए, और भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी के मन की सारी बातें जान गए कि उन्होंने क्या ठान लिया है। और सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे चितौ गरुर लघु ब्याल ही जैसे। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे चितौ गरुर लघु ब्याल ही जैसे। और उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। तो इसका काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे? तो इस तरह से आपको हेडिंग डालना है, काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका यहाँ पर आप देख सकते हैं, राम के प्रति सीता की अनुरक्ति का आलंकारिक वर्णन है। भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति सीता जी की जो अनुरक्ति है अर्थात जो प्रेम है, जो लगाव है, उसी का गोस्वामी तुलसीदास जी ने अलंकारिक वर्णन किया है। अगला बिंदु है भाषा। तो दिए गए पद्यांश की अर्थात जो दिया गया पद्यांश है जो कि दोहा और चौपाई छंद में है, इसकी भाषा क्या है? अवधी भाषा है, क्योंकि जो पद्यांश है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, मैंने संदर्भ में आपको बता भी दिया है। अगला बिंदु है रस। तो यहाँ पर कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, संयोग श्रृंगार है। अगला बिंदु है छंद। तो यहाँ पर कौन सा छंद है? दोहा तथा चौपाई छंद है। दिया गया पद्यांश जो है दोहा और चौपाई छंद में है। और अगला बिंदु है अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है और उपमा अलंकार है। इस तरह से आप इस दिए गए पद्यांश का अर्थात जो दोहा और चौपाई छंद में रचित है इसका बिल्कुल आसान तरीके से संदर्भ लिख सकते हैं, और व्याख्या तथा काव्यगत सौंदर्य भी लिख सकते हैं। और आपके यदि आप इसी तरह से संदर्भ लिखेंगे, इसकी व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य सेम इसी तरह से लिखेंगे, तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाने हैं। आपको ध्यान क्या देना है? जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है उन बिंदुओं को आप ध्यान रखिएगा, और आप यदि कमेंट करेंगे तो हम इसके बाद जो होगा धनुष भंग का अगला पद्यांश 6 नंबर का, उसका भी संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो जल्द ही अपलोड कर देंगे। आप वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करते रहें और अपनी नोट्स बनाते रहें चैनल के साथ जुड़ करके यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की विधिवत और बिल्कुल सही ढंग से तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।